कर्नल चौधरी। कैप्टन भीम सिंह रिपोर्टिंग सर। हाँ बोलो भीम सिंह। करण लॉकअप से भाग निकला सर, और भागते हुए हजारों फुट गहरी एक खाई में गिर गया जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। चलो किस्सा ही खत्म हो गया, उसे अपने किए की सजा खुद ही मिल गई। अगर इसे बचाना चाहते हो तो रोको मुझे, रोको रोको मुझे, हट जाओ, आओ आओ, रोको रोको मुझे। राठौड़ साहब का खून किसने किया? किसने किया राठौड़ साहब का खून, बोल। आरामजादे, तूने मुझे ये आग का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। अब एक ही रास्ता है मेरे पास, और वो है तेरी मौत। जीना चाहता है तो एक ही रास्ता है तेरे पास, बोल। राठौड़ साहब का खून किसने किया? पीछा मत करना,
ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तो आपका हर जुल्म सूद समेत लौटा सकता हूं, मगर नहीं, मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ यह सबक भी दिया गया था कि दुश्मन को मिटाना और अपनों के लिए मिट जाना। लेकिन यहां कुछ अपने आप जैसे भी हैं जो अपनों को मिटाना ही अपनी शान समझते हैं। कर्नल चौधरी, एक तरफ हमारी पूरी बटालियन और एक तरफ अकेला कमांडो करण सिंह, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके सर। करण कुनूर के जंगलों में कहीं छुप गया है और हमारी पहुंच से बाहर। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें करण सिंह चाहिए। डेड और अलाइव, दैट्स एन ऑर्डर। पापा, आपने करण को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया है और मैंने उसके साथ जीने मरने की कसम खाई है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने करण के पास, आपकी बेटी प्रिया। करण, 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 प्रिया, तुम यहाँ? करण,
हालात की इस भट्टी में झुलस गया तुम्हारा करण, लेकिन मुसीबतों के इस तूफान में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चोट तुम्हें लगती है, करा मेरा दिल उठता है। तुम्हारी आंख में तिनका गिरे तो मेरी आंख तड़प उठती है। करण, इस रास्ते पर तू चल पड़ा है उसका अंजाम जानता है? सर पर कफन बांध लेने के बाद अंजाम की परवाह नहीं होती। मुझे अपने माथे पर लगे हुए कलंक के साथ साथ देश के उन दुश्मनों को भी खत्म करना है जो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं। अगर तूने ये क्या बचपना किया बेटे, घर से भागकर तूने अच्छा नहीं किया। चल, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूं। पापा ठीक कहते हैं प्रिया, यूं भी मेरे साथ कदम कदम पर मुसीबतें हैं। नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम प्रिया। क्या नाम है उसका? करण। और वो आप ही के जंगलों में छुपा हुआ है। और अगर उसने ये साबित कर दिया कि राठौड़ का खून मैंने किया है तो अपना बनता हुआ खेल बनने से पहले बिगड़ जाएगा। यही तो गड़बड़ है कि मुझे गड़बड़ बिल्कुल पसंद नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं उस गड़बड़ को खत्म करवा दूंगा। जिंदा बच गया और कहीं उसने ये साबित कर दिया कि इस राठौर का खून उसने नहीं विक्रम ने किया है तो कुबड़ा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और विक्रम हिंदुस्तान के सीक्रेट्स की वो फाइल भी कुबड़ा तक नहीं पहुंचा पाएगा। इस फाइल का कुबड़ा को करोड़ों रुपया मिलने वाला है, इसलिए ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। चलो से मारा होगा, ढूंढो उसे। Thank you.
आदमी है तू? किस देश के लिए जासूसी करता है? बोल, यहाँ क्या सीक्रेट्स लेने आया है? क्या कर्नल हमारे डैन की तरफ आ रहा है? जी हाँ सर, अगर कर्नल हमारे हाथ आ गया तो वो फाइल भी खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। जब कर्नल हमारे हाथ आएगा तभी तो फाइल हमारे हाथ आएगी और तब शुरू होगी हमारी गड़बड़। वेलकम कर्नल साहब, वेलकम। कौन हो तुम? अंग्रेजी में टेररिस्ट, हिंदी में आतंकवादी। ईमानदारों की ईमानदारी, वफादारों की वफादारी का टेढ़ापन, यानी कि खूब निकालता हूं, इसीलिए कुबड़ा के नाम से जाना जाता हूं। क्या जबरदस्ती है? आखिर चाहते क्या हो तुम? फाइल। फाइल? वो कॉन्फिडेंशियल फाइल जिसमें ये राज छुपा है कि दुश्मन देश के जासूस और कमांडर्स जिन्हें तुमने कैद करके छुपा रखा है, कहां छुपा रखा है? वो फाइल जिसमें ये राज छुपा है कि तुमने बारूद कहां कहां बिछा रखा है और असलाह कहां कहां छुपा रखा है। वो फाइल जिसके जरिए हिंदुस्तान पर फिर से हुकूमत की जा सके और इसे फिर से गुलाम बनाया जा सके। वो फाइल। लेकिन तुम्हारे क्या काम आएगी वो फाइल? यही तो गड़बड़ है। इतना भी नहीं समझते कि वो फाइल मैं सिर्फ 575 करोड़ रुपए में बेचूंगा? अबे हरामजादे, गद्दार, अगर तू मेरे बदन के 500 टुकड़े भी कर दे तो मैं तुझे वो फाइल तो क्या, मैं उस फाइल का 500 करोड़वां हिस्सा भी ना दूं। मालूम था मुझे तेरा ये जवाब भी मालूम था, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अकल के सुर कम छेड़ता है और नमक का ढंडोरा ज्यादा पीटता है। यही तो गड़बड़ है कि तेरे इस जवाब का जवाब भी है मेरे पास। जवाब कर्नल की खूबसूरत कमजोरी। तेरी धमकियां मेरी वतन परस्ती को जगमगा नहीं सकती कुबड़ा। मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले ये जरूर सोच ले कि अगर पासा पलट गया और बाजी मेरे हाथ लगी तब क्या हो। अभी तक तो तू सिर्फ नाम का कुबड़ा है, तब आने वाले हर जन्म में तेरा जिस्म भी कुबड़ा होगा। विक्रम, यही है वो कर्नल तुम्हें मेहरबानी की रस्सियों में जकड़ने वाला। यू ब्लडी ट्रेटर, गद्दार कहीं गए? क्यों विक्रम, यही है ना वो मन मोहिनी मेनका तुम्हारी नियत को गड़बड़ाने वाली? हाँ कुबड़ा, आखिरी मौका है कर्नल, सोच ले, फाइल आए या इज्जत जाए। विक्रम, नमक हराम कुत्ते, तू ऐसा नहीं कर सकता। ए, जबान को लगाम दे हरामजादे। साला अर्दली, इस फाइल की खातिर जब मैं अपने ही हाथों अपने अंकल राठौड़ का खून कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू बास्टर्ड। विक्रम, कर्नल वो फाइल तो नहीं देगा। खोल डाल कर्नल की ये फाइल, पटाले से। Don't you dare, you bastard! चाहिए ना, मैं तुझे ला कर दूंगा वो फाइल। अकल के सुर अब बचे। तुम देश से गद्दारी करोगे भगत सिंह? गद्दारी वफादारी मुझे कुछ याद नहीं, प्रिया की इज्जत इस देश की इज्जत है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे नमक हलाल?
बेटी की इज्जत और साहब जी की जान गिरवी रखकर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें उस फाइल के बारे में क्या मालूम? 20 बरस तक साहब जी की सेवा की है। ये कहाँ और किस वक्त कितनी सांसें लेते हैं मैं बता सकता हूँ? 2.5 घंटे की मोहलत देता हूँ। 12 बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना गड़बड़ ही गड़बड़ है। मैं फाइल लेकर आता हूँ। अकेला चला गया, यही गड़बड़ है। तुम उसका पीछा करो, जाओ। किसको बुला रहा है तू? वो मैं जल्दी बता, नहीं तो गोली मार दूंगा। पापा कौन थे ये लोग? कुबड़ा के आदमी है। कुबड़ा संकट है इस देश के लिए। संकट? उसने मुझे वो फाइल लेने को भेजा है जिसको हासिल करने के बाद वो इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगा। और अगर 12 बजे तक मैं वहां फाइल लेकर नहीं पहुंचा तो वो साहब जी और पिया को मार डालेगा। तब तो फाइल वहां पहुंचानी पड़ेगी पापा। आप फाइल लेके पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब हम हिंदुस्तान को फिर गुलाम बनाएंगे। गुलाम बनाएगा। सिर्फ 5 मिनट बाकी है, उसके बाद गड़बड़ ही गड़बड़ है। ऐसे गद्दार और बुजदिलों की वजह से हम जैसे लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान यानी कि भारतवर्ष पर राज करेंगे। विक्रम, अगर फाइल नहीं आई तो तू इसके साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। असली फाइल वो रही।
पढ़ इस फाइल को, तेरा विनाश ही विनाश लिखा है। चाहूं तो तेरे सीने में सुरंग बना सकता हूं, मगर नहीं, उससे पहले प्रिया, कर्नल साहब और मेरे पापा पे किए गए हर जुल्म का हिसाब चुकाना है तुझे। दिल्ली का हाथ नहीं हथौड़ा है। नहीं करण, यह आदमी मुझे जिंदा चाहिए। तेरी मौत उसी कर्नल के सामने होगी जिसे तूने बांध के रखा था। मार सको। तूने ये जगह मेरे देश को बर्बाद करने के लिए बनाई थी ना कुबड़े, अब देख मैं ये जगह कैसे बर्बाद करता हूं। की फाइल चाहिए थी ना, अब जिन लोगों के लिए तू काम कर रहा है, अब तू हमें उनके सीक्रेट की फाइल देगा। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, करण, नहीं, करण, करण। Thank you.
अपनी माँ को दुश्मन के हाथ बेचने वाले गद्दार। Well done, son. भगत सिंह, तुम्हारा बेटा कितना बहादुर, महान और ऊंचा, और हम इसे हमेशा छोटा समझते रहे। असल में इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ उसके विचार छोटे बड़े होते। आई एम सॉरी करण, आज तुम्हें यह तमगा देके सिर्फ मुझे ही नहीं सारे हिंदुस्तान को तुम पे फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सर। सर, वाह वाह वाह, क्या सल्यूट किया है। ऐसा लग रहा है भगत सिंह कि तुम्हारे अलावा किसी और को सल्यूट मारना आता ही नहीं। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी भावनाओं को सल्यूट करूं।